नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुत्र ने ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक मौत का कारण नहीं पता चल पाया है। हत्या के मामले में ग्रामीणों का कहना है कि पिता पुत्र में झगड़ा होने के कारण वृद्ध के सिर में चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए गहनता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि सूचना के आधार पर मामले की जांच की जा रही है, जहां मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का खुलासा हो पाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि प्रथम दृश्य की गई जांच के दौरान कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिनमें पता चला कि मृतक के पुत्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जहां पुत्र ने अपने पिता के साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आ गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन मृतक के परिवार के लोगों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई हत्या नहीं की गई है। मृतक सीढ़ियों से गिरने के कारण घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता पूर्वक जांच की जा रही है, और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। खत्म है गई, और एक लड़का छोटा हमको खत्म होगा, तो इसके टेंशन ना दें, हम खुद समझा के बैठा के बैठते हैं। गांव छटकरा में एक सूचना मिली है कि एक बेटे ने अपने एक वृद्ध बाप को मार दिया है। इस सूचना पर हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं और ये देखे हैं, तो प्रथम दृष्टया उनके सर में पीछे चोट लगी है और कुछ घसीट के निशान भी हैं। हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु कारण स्पष्ट हो सकता है। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं कि पुत्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और आपस में झगड़ा भी किए थे, हो सकता है गिरने से मृत्यु हुई हो, इसीलिए हम लोग पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा रहे हैं और पोस्टमार्टम में ये स्पष्ट हो जाएगा। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली हुई है और जैसे तहरीर मिलती है तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।